जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन, जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन, जय जमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना तिरवनचारी, जय जमुना तिरवनचारी, जय बिहारी, जय जमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, राधा माधव राधा माधव, जय गोरानिताय गोरानिताय गोरानिताय, जय गोरानिताय 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 गोरानिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, नितार गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गोरा हरि बोल गोरा
Hare bol, Hare bol, bol Hare bol, bol Pramanande, Hare Hare bol, Shri Shri Radha Madhav ki, Shri Shri Radha Damodar Jiu ki, Shri Shri Radha Sam Sundar ki, Shri Prabhupad ki. ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इसलिए हमारे पास बहुत ही कम समय है तो प्रसाद के लिए जाना है तो हम थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे उसके बाद प्रसाद के लिए जाएंगे। तो अभी तक हम लोग केशी घाट तक पहुँचे हैं तो केशी घाट के बाद है बंसी बट धीर समीर जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके आगे है पंच कृषि परिक्रमा के मार्ग में आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा विश्राम बट जिधर श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम किए थे। तो फिर उस तरफ आगे जाके परिक्रमा मार्ग से इधर आते तो इधर एक जगह है जिसको बोलते मदन टेर। तो ये पास में है लेकिन अंदरी भाग में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ससदर प्रभु का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं कुछ सेवा करने की प्रयास करूँगा। तो प्रभु बहुत सीनियर हैं, मैं जब ज्वाइन किया था मायापुर उसके बाद कोलकाता आया था तो उस समय ऑलरेडी सैफ्रॉन में थे और प्रभु के पास में इस पहले दिन सोया था मैं। तो मैं नया था तो प्रभु तब से बहुत प्यार करते हैं मेरे को, बच्चे के जैसा है, भाई के जैसा है, बहुत आदर करते हैं। भक्ति में बहुत बहुत अभिज्ञ हैं, बहुत प्रवीण हैं। प्रभु का मैं क्लास सुना था उस समय, एकदम क्लास देंगे तो पूरा एकदम सबको उड़ा देंगे। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभु को कुछ क्लास देने के लिए। प्रभु को धाम के प्रति और भगवान के नाम, भगवान की विग्रह, इसमें बहुत रुचि है। तो आशा करते हैं प्रभु से कुछ श्रवण करेंगे। तो अंदर ही भाग में बहुत सारा महत्वपूर्ण जगह है। एक है राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा रमन जी मंदिर और भी बहुत सारे आचार्यों की विग्रह हैं उसी मंदिरों में। राधा माधव जयदेव गोस्वामी के विग्रह हैं
राधा विनोद, राधा विनोद शायद राधा कुंड में है सर, राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह हैं, राधा गोपीनाथ मधु पंडित के विग्रह हैं, तो ऐसे बहुत सारे महान आचार्यों की विग्रह हैं। हर सेवा कुंज है उधर, ठीक है। ये बहुत सारा महत्वपूर्ण जगह है जिसके विशेष विशेष लीला हैं, और ये सारे लीला हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। अगर ये सारे आचार्य के लीला, तो वो सारा चीज़ अगर आप मिस करेंगे तो राधा कृष्ण की लीला और वृंदावन धाम के उच्च स्तर के जो हम लोग आगे घूमने वाले हैं, इसका कोई फाउंडेशन नहीं बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, जो हम लोग वृंदावन के अंदर ही भाग के अलग अलग विशेष स्थान में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने चर्चा किए थे मदन मोहन जी के बारे में, जो मदन मोहन जी अविदे संबंध विग्रह हैं और सनातन गोस्वामी संबंध गुरु हैं। तो संबंध अविदेह एंड प्रयोजन, तो अविदेह गुरु हैं रूप गोस्वामी, और अविदेह विग्रह हैं राधा गोविंद देव। तो हम लोग नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी की क्या लिखते हैं, कौन बता सकते हैं? नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सभी भक्त लोग जो है श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी है, और जो इस्कॉन संप्रदाय है ये रूप गोस्वामी पाद के दिव्य निर्देशन में चल रहा है। तो रूप रघुनाथो पदे होइबे आकुति कबे हम बुझबो से जुगलो प्रीति। तो हम लोग आने के समय भी एक कीर्तन हम लोग गा रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं कि कब रूप गोस्वामी हाँ और रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्तों की चरणों में हमारा समर्पण होगा, हमारा श्रद्धा होगा, भक्ति होगा, हाँ वो दिन कब आएगा जब तब मैं राधा कृष्ण की जो लीला है मैं समझ पाऊँगा। तो उनके कृपा के बिना हम लोग ये समझ नहीं सकते। तो सनातन गोस्वामी संबंध गुरु हैं और रूपो गोस्वामी पाद है अभिधेय गुरु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रूपो गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से दोनों से एक ही साथ मिले थे राम के लिए में, और उसके बाद दोनों हुसैन शाह के नौकरी से रिज़ाइन करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में योगदान किए थे, और रूप गोस्वामी पाद निकल गए थे पहले, लेकिन सनातन गोस्वामी को हुसैन शाह ने पकड़ लिया था और जेल में बंदी कर दी, और फिर बाद में सनातन गोस्वामी भाग गए। तो रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु मिले थे इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट में, और उधर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामियों को भक्ति तत्वों के बारे में उन्होंने भक्ति रस के बारे में उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान किए थे।
तो उधर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को बताए थे किस प्रकार करोड़ों करोड़ों चौरासी लाख प्रकार के जीव जोनी हैं और उसमें बहुत कम संख्या में मनुष्य हैं। 84 लाख में केवल 4 लाख मनुष्य हैं और उस 4 लाख मनुष्य में ज़्यादातर लोग असभ्य है या पशु के स्तर में हैं। उसमें बहुत ही कम लोग कम लोग जो है वेद को मानते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग मनुष्य हैं उसमें ज़्यादातर लोग पशु के स्तर में हैं, कुछ कम लोग वेद को मानते हैं। और उस बहुत कम मनुष्य लोगों में ज़्यादातर लोग कर्मी हैं जो अपना कर्म का फल भोगना चाहते हैं। संजय प्रभु, अपना कर्म का फल जगते रहो, अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं तो उनको बोलते सकाम कर्मी या तो कर्मी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी भोग करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग कर्मी हैं और ऐसे ज़्यादातर कर्मी कुछ लोग हैं ज्ञानी जो भौतिक जगह दुख का जगह है वो जानते हैं और वो ज्ञान के पीछे ज्ञान मतलब इससे मुक्त होने की प्रयास कर रहे हैं। तो और ऐसे बहुत सारे जो कुछ ज्ञानी हैं उसमें से कुछ लोग भक्त हैं। तो और ऐसे भक्तों में कुछ लोग जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे कुछ भक्तों में कुछ लोग होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शुद्ध भक्ति किस प्रकार दुर्लभ है, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशु अपि महामुने। जो शुद्ध भक्त हैं सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, उनके कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता है। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्यन निर्मलम ऋषिकेशो ऋषिकेन सेवनांग भक्ति रुच्यते अन्नाभिलाषिता शून्यम। अन्य दूसरे अभिलाषा से मुक्त हैं, भुक्ति अलग अलग प्रकार के भौतिक फल प्राप्त करने की इच्छा है, मुक्ति या भगवान से विलीन होने जाने की जो इच्छा है, ज्ञानी लोगों की इच्छा है कि भगवान से एकाकार हो जाए, लेकिन वो भी एक प्रकार के भोग है। कर्मी का जो भोग है अलग अलग प्रकार के परिश्रम करके धन प्राप्त करना और इंद्रिय सुख प्राप्त करना या स्वर्ग में जाना, इसको बोलते हैं भुक्ति। और कुछ लोग सोचते नहीं भौतिक जगत में भोग नहीं है, ठीक है हम मुक्ति प्राप्त करके भगवान से एकाकार हो जाएंगे। तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं ये जो मुक्ति है ये भुक्ति से भी डेंजरस है। तो कैवल्य नरकायते, जो कैवल्य मतलब मुक्ति, वो नरक जाने के बराबर है। क्योंकि आप अगर मुक्ति प्राप्त करेंगे मतलब भगवान से एकाकार हो जाएंगे तो ये आपके जो सेवक दास का जो स्वरूप है उसका सुइसाइड है। समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु हमारा स्वरूप क्या बोले, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण हमेशा के लिए प्रभु हैं और हम लोग हमेशा के लिए दास हैं। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण की जब डिस्कशन हो रहा था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वॉइस में, नते बहम जातु नासम नत्तम ने में जना दीपा नचै बना भविष्यम सर्वे वय मतो परम। तो मायावादी का भाष्य उधर खंडन करते हैं प्रभुपाद जी। तो मायावादी लोग बोलते हैं ये जो कृष्ण फिलोसफी दिया है ये शरीर के स्तर पे, याद है अक्षय प्रभु,
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण पहले शरीर के स्तर उसके पहले श्लोक में अशोचम अनुशोचस्तम प्रज्ञावादम सुभाषसे, हाँ तो पहले ही कृष्ण ने खंडन कर दिया कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे कृष्ण हमेशा के लिए भगवान है। आत्मा के स्तर पे ही, आध्यात्मिक स्तर पे ही कृष्ण भगवान है, अच्युत हैं, और अर्जुन जैसे जीव हैं वो हमेशा कभी कभी माया में गिर जाते हैं, और फिर उनको कृष्ण की आश्रय, कृष्ण की, थैंक यू, कृष्ण की आश्रय जरूरत होता है। तो इस प्रकार जीवात्मा के साथ भगवान के संबंध जो है शाश्वत है। तो लेकिन मायावादी लोग उनके फिलोसॉफी है कि जीव भगवान थे और इस भौतिक जगत में आए, तब तब उनको गिर गए, और फिर भजन करके एक दिन फिर से भगवान से एकाकार होकर भगवान बन जाएंगे। तो ये जो फिलोसॉफी है, सिद्धांत है, भक्ति के खिलाफ है। आप जब कोई भगवान बन जाएगा तो भक्ति का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? कोई सेवा का कोई क्वेश्चन है? कोई सेवा कब होता है? हाँ, सेवा हमें क्या बोलते हैं, आराध्य व्यक्ति का, जो आपके वर्शिपेबल पर्सनालिटी है, उनके हम लोग सेवा करते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को इस भक्ति तत्वों के बारे में, भक्ति रस के बारे में फिर बताते कि पांच प्रकार के रस हैं। क्या क्या? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। तो और इसमें सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य रस, और माधुर्य रस के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ है ब्रज के गोपियाँ, और ब्रज के गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। तो कोई राधा रानी का बराबर नहीं कर सकता है। राधा रानी के जो भक्ति है कृष्ण के प्रति अनपैरेलल है। राधा रानी भक्ति के जननी हैं। राधा रानी इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्योर लव ऑफ कृष्णा, इज लादिनी शक्ति। तो सारे भक्तों लोग राधा रानी के दासी हैं। तो इस प्रकार राधा रानी या वात्सल्य रस में यशोदा मैया, ये सारे भक्तगण इस रस के प्रधान भक्त हैं, और उनके अनुगत्य में हम लोग कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो वही चीज़ रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिखते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्ये क्रमेण रसनाम अनुसीज निजज्जो तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। तो हमें भगवान के जो महान भक्त हैं, ब्रज के कुछ कोई महान भक्त के अनुगत्य में हमें भगवान की भजना करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण हैं, और उनके उनके जो पार्षद है, उनके जो सेवक है रूप गोस्वामी पाद, रूप मंजरी है, और उनके जो अलग अलग हैं पार्षद जीव गोस्वामी हैं, तो ऐसे, तो ये ब्रज के भक्त हैं। तो ऐसे महान भक्तों के आश्रय में हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट में बहुत दिन तक उन्होंने इस भक्ति रस के बारे में बताए, और फिर भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में, भगवान के अलग अलग अवतार, स्वरूप प्रकाश, वैभव प्रकाश, इसके बारे में डिटेल्स बहुत क्या बोलते
बस सूक्ष्म विचार जो सूक्ष्म बहुत समझना मुश्किल है, हाँ, तो उसके बारे में कृष्ण के हाँ अलग अलग जो प्रकाश है, हाँ, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु उधर बताते। इस प्रकार भक्ति रस के बारे में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए थे, और फिर बाद में रूप गोस्वामी पाद इस वृंदावन धाम आए, चैतन्य महाप्रभु के निर्देश में इस वृंदावन धाम में रहे थे, और वृंदावन धाम में रहे थे और उन्होंने हाँ चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा हैं अपने जीवन में पालन किए थे। रूप गोस्वामी पाद हाँ कितना माला जप करते थे, कम से कम 1,00,000 तो जप है, भूल गया मैं, देखना पड़ेगा। हाँ सनातन गोस्वामी 2,00,000 नाम जप करते थे, रूप गोस्वामी पाद कुछ मतलब पढ़ना पड़ेगा। और चैतन्य गोस्वामी सुना बहुत बार तो, और बाकी समय अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करते थे, तो शास्त्र का अध्ययन करके सद्धर्म जो भक्ति धर्म है, शुद्ध भक्ति किस प्रकार श्रेष्ठ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत ग्रंथ में वर्णन किए हैं, उसको छोड़ के ऐसे और भी महान ग्रंथ है, उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, ऐसे बहुत सारे किताब की रचना किए हैं। तो जब रूप गोस् चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद वो राधा दामोदर मंदिर जो है सारे गोस्वामियों का हेडक्वार्टर था, तो उधर सारे गोस्वामी लोग हाँ एक साथ उधर मिलते थे। तो रूप गोस्वामी का पाद का भजन कुटीर है राधा दामोदर मंदिर, तो और रूप गोस्वामी पाद के असिस्टेंट थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद को मदद करते थे, हाँ उनकी सेवा करते थे और उनको मदद करते थे अलग अलग किताब हाँ लिखने में। तो जीव गोस्वामी पाद बहुत बड़े पंडित थे, तो आपने सुना था वो जीव गोस्वामी पाद को लीला, हाँ के जीव गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी हाँ उधर आए थे, और एक बहुत बड़े पंडित आए थे, उनका नाम है वल्लभ भट्ट शायद, वल्लभ भट्ट उधर आए थे, उनको रूप गोस्वामी पाद को परास्त करने के लिए, और जीव गोस्वामी पाद उनको परास्त करके भेज दिया। और फिर बाद में जब उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को बताया तो रूप गोस्वामी पाद बहुत गुस्सा हो गए कि आप क्यों हाँ अपना समय बर्बाद किए किसी के साथ तर्क युद्ध करने के लिए, तो बोले आपको वृंदावन रहने की कोई अधिकार नहीं, आप चले जाओ इधर से। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद को निकाल देते हैं। जीव गोस्वामी पाद हाँ उनके गुरु की संतुष्टि के लिए हाँ उनके गुरु के संतुष्टि के लिए ये कार्य किया था, तो लेकिन जब रूप गोस्वामी पाद उनको डांटते हैं तो जीव गोस्वामी बहुत विनम्र होके वो चले जाते हैं, और बहुत साल वो वृंदावन के बाहर दूसरे किसी वन में रुके हुए थे। तो बहुत साल बाद जब सनातन गोस्वामी इधर से जाते थे जा रहे थे तब उनको जीव गोस्वामी पाद का दर्शन हुआ, और जीव गोस्वामी एकदम पतले दुगले हो गए थे, तो उनको देख के बहुत दुख हुआ कि जीव गोस्वामी पाद कैसे इधर है। तो रूप गोस्वामी पाद के पास आए और रूप गोस्वामी पाद को पूछा कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है। तो रूप गोस्वामी पाद बोले के नामे रुचि हाँ वैष्णव सेवा और जीवे दया, हाँ नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि रूप गोस्वामी पाद आप तो जीवे दया नहीं कर रहे हैं, तो तब रूप गोस्वामी पाद को समझ में आ गया कि जीव गोस्वामी बहुत दिन से बाहर है, तब फिर उनको बुलाया। तो जीव गोस्वामी पाद का इतना शरणागति थी, जीव गोस्वामी पाद बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अभी के दुनिया में सबसे बड़ा स्कॉलर संस्कृत में सारे विश्व में, हाँ जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं हाँ
संस्कृत का सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है वाराणसी VHU क्या नाम है, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, तो सबसे बड़े सारे विश्व के सबसे बड़े संस्कृत के ऊपर और ऐसे आध्यात्मिक शास्त्र के ऊपर उधर PhD करते, रिसर्च होता है। तो जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, सबसे ज़्यादा शास्त्र, सबसे ज़्यादा श्लोक जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है। तो मैंने सुना 400,000 श्लोक लिखा है उन्होंने। श्रीमद् भागवतम 18,000 है और जीव गोस्वामी कितना श्लोक लिखा है? 400,000। तो रोमपाद महाराज बोल रहे थे, तो जीव गोस्वामी पाद उधर रहते, तो जीव गोस्वामी पाद की सेवा क्या था? रूप गोस्वामी पाद लिखते थे काली से, समय काली का पेन था, वो काली भरते थे वो, और उनके लिए उस समय तो इसके ताल के पत्ते में लिखते थे, वो पत्ता बनाते थे और उनकी सेवा करते थे, ये उनकी सेवा था। तो कितने विनयी और हम्बल सेवा किया है जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद का। फिर बाद में रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी को ऐसे विनम्र सेवा में बहुत प्रसन्न होकर उनको अपने हाथ से एक विग्रह बना के दिए थे, और वो विग्रह है राधा दामोदर। हरि बोल। तो गुरु जब प्रसन्न होते शिष्य के ऊपर, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद के गुरु थे और उनकी सेवा में प्रसन्न होकर उनको कृष्ण दिए थे, और ये जो जीव राधा दामोदर विग्रह हैं, राधा दामोदर विग्रह जीव गोस्वामी के साथ बातें करते थे। तो बहुत बार जीव गोस्वामी सेवा में व्यस्त रहते थे और राधा दामोदर वंशी बजाते थे और उनको बुलाते थे। तो और राधा दामोदर जीव गोस्वामी के साथ बहुत सारे लीला किए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई गुरु को प्रसन्न करते हैं, आचार्य को प्रसन्न करते हैं, तब कृष्ण मिलता है। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद को आशीर्वाद किए थे, और फिर जीव गोस्वामी पाद के आशीर्वाद, रूप गोस्वामी पाद के आशीर्वाद से जीव गोस्वामी महान आचार्य बने। 6 गोस्वामी में सबसे छोटे हैं जीव गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया था, साक्षात दर्शन नहीं हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु, जब जीव गोस्वामी निकले थे अपने घर से सारे गोस्वामी, और तब तक चैतन्य महापुरुष छोड़ के चले गए थे। तो रूप गोस्वामी पाद रघुनाथ दास सनातन गोस्वामी की कृपा से जीव गोस्वामी महान आचार्य बने। तो ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस स्पिरिचुअल लाइफ का। तो रूप गोस्वामी पाद उधर भजन करते थे, और उसी स्थान पे शिल प्रभुपाद जी जब अपना घर छोड़ के वानप्रस्थ लेके वृंदावन आए थे, उसी स्थान पे शिल प्रभुपाद जी रहते थे। तो उसी स्थान पे शिल प्रभुपाद जी का घर है। शिल प्रभुपाद पहले बाहर, उनका रहने का कोई जगह नहीं था,
तो कोई कोई कौन बोल रहे थे, शायद भक्ति चारू स्वामी महाराज बोल रहे थे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी को कुछ पैसा देके उधर रहने की जगह हाँ मिला था। श्रील प्रभुपाद भाड़ा पे रहते थे, तो श्रील प्रभुपाद जी का रूम है और श्रील उस रूम के ऑपोजिट में श्रील प्रभुपाद जी के रसोई घर है और रसोई घर के विंडो से रूप गोस्वामी पाद के समाधि दिखता है। और प्रभुपाद जी डेली उस रसोई घर से रूप गोस्वामी पाद का दर्शन करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि हे रूप गोस्वामी पाद, हमें कृपा करिए कि मेरी जो गुरु के आज्ञा है कि चैतन्य महाप्रभु के वाणी सारे विश्व में प्रचार होगा, उसके लिए प्रार्थना करते थे और रोते थे। तो प्रभुपाद जी उस राधा दामोदर मंदिर में रह के भागवतम का पहला तीन स्कंद और एक शायद तीन होगा, तो ये तीन स्कंद उधर बैठ के श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था। तो श्रील प्रभुपाद वॉज प्रिपेयरिंग टू गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, बट टिल द टाइम बुक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, श्रील प्रभुपाद वॉज नॉट एबल टू गो। लेकिन कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण के शक्ति के बिना हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत विनम्रता के साथ रूप गोस्वामी पाद के आश्रय लिए थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे कि आप कृपा करिए कि मैं मेरे गुरु का आज्ञा को पालन करूं। मेरा गुरुदेव मेरे को आदेश दिए थे कि मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करूं, चैतन्य माओ के भविष्यवाणी को पूरी करूं, आप लोगों की शिक्षा लोगों तक पहुंचाऊं। इस प्रकार प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे, झाड़ू देते थे और किताबें लिखते थे और बीच बीच में इधर से जाते थे दिल्ली, क्या बोलते वृंदावन से जाते थे दिल्ली में, जो लिखे है उसको टाइप करके एडिट करके प्रिंट करने के लिए और फिर वापस आते थे। उधर छिपीबरा मंदिर में रहते थे, मैं बोला था एक बार छिपीबरा मंदिर में कैसे प्रभुपाद जी रहते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी आचार्यों के पदांक में हमें सिखा रहे कैसे हमें गुरु को संतुष्ट करना चाहिए और गुरु की सेवा करने के द्वारा, आचार्यों की सेवा करने के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं, वर्तमान गुरु हैं और पूर्वातन गुरु हैं, इनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो उनकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा हम लोग भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे जा सकते हैं, तभी हम धाम के जो राधा कृष्ण की सेवा के तत्व हैं, लीला के तत्व हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो हमारे हृदय में जो काम वासना है, हमारे हृदय में जो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, वो कभी भी हमारे हृदय से मन से नहीं जाएगा। तो गोविंद देव, गो मतलब गाय और गो मतलब इंद्रिया, तो जो इंद्रिय और मन को आनंद विधान करते हैं उनको बोलते गोविंद देव। तो भगवान की जब हम लोग सेवा करते हैं, इंद्रिय के अधिपति ऋषिकेशो ऋषिकेना सेवनांग भक्ति रुच्यते, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है कि इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय के स्वामी कृष्ण ऋषिकेश उनकी सेवा करना। तो जब हम लोग इंद्र के अधिपति कृष्ण की सेवा करते हैं, तब कृष्ण हमारे हृदय और इंद्रियों को या हमारे मन को प्रसन्न करते हैं, हमारे हृदय और मन को दिव्यता प्रदान करते हैं और तभी उस दिव्य चेतना में शुद्ध हृदय में कृष्ण भक्ति का, कृष्ण लीला का जो एक्चुअल मीनिंग है आप हृदयंगम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो भक्ति के जो प्रिंसिपल हैं, किस प्रकार हम गुरु और वैष्णवों की आज्ञा का पालन करें और उनके निर्देश के अनुसार भक्ति का अंग को पालन करें, साधना भक्ति का जो नियम है 16 माला 4 नियम और पूर्वातन आचार्य वर्तमान आचार्य जो हमें सेवा दे के गए हैं उस सेवा को हम लोग पूर्ण करें, तो उसमें हमें डेडिकेशन रहे, तो उस प्रिंसिपल के बिना हम लोग
कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण के साथ हाँ उनके शुद्ध भक्तों की जो अलग अलग लीला वृंदावन की लीला समझ नहीं पाएंगे। तो ये फाउंडेशन है, ये भक्ति के क्या बोलते अंग हैं। तो ये अभिधेय है, तो इस अभिधेय को पालन करने के द्वारा हम अगर अभिधेय को पालन करेंगे ठीक से तब प्रयोजन मिलेगा। प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है भक्ति का, प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है अमीय प्रभु, क्या प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, भक्ति क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि स्वर्ग में चले जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, कृष्ण को प्रसन्न, यस भक्ति कर रहे इसलिए कि हाँ जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा। हाँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्लीज टू नो गॉड एंड प्लीज सर सैटिस्फाइड। ओके, तो प्रयोजन है कृष्ण की, कृष्ण को संतुष्ट करे, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हाँ वो है कृष्ण की संतुष्टि करने का इच्छा, सेवा भावना या कृष्ण और गुरु को प्रसन्न, तो वो है प्रयोजन, तो वो प्रयोजन तब हमें मिल सकेगा। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जगह राधा दामोदर मंदिर इस्कॉन के भक्तों के लिए और गौरी वैष्णव, गौरी वैष्णव के भक्तों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। प्रभुपाद जी जब विदेश में थे हाँ तो प्रभुपाद जी जब विदेश में थे वृंदावन से गए थे प्रभुपाद जी अमेरिका में, और फिर अमेरिका जाके हाँ प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद जी याद कर रहे थे राधा दामोदर मंदिर का। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हम इस अभी अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, हम वृंदावन से कितना दूर है, राधा दामोदर मंदिर से कितना दूर है, तो राधा दामोदर जी का हाँ राधा गोविंद देव राधा मदन मोहन जी का याद कर रहे थे। तो हम लोग शहर में हाँ बंगलों में फ्लैट में इधर रह के हाँ हम लोग वृंदावन जैसे सरल जगह में हाँ रहना पसंद नहीं करते, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के याद कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद वॉज मोर हैप्पी इन वृंदावन than staying in America, but for the service of his guru he have chosen to stay in America and transform America into Vrindavan. तो अगर आप गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो आप गुरु के आशीर्वाद से भक्ति में भी आगे बढ़ जाएंगे और किसी भी स्थान को आप आध्यात्मिक स्थान या वृंदावन बना सकते हैं। सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस प्लेस, दो देर इज मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डिस्कस्ड बट बिकॉज देर इज नो टाइम सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वी आर गोइंग टू गो देयर, तो बाकी चीज हम लोग प्रयास करेंगे उधर जाके डिस्कस करने का। श्री राधा दामोदर जीव की, श्री प्रभुपाद की, श्री जीव गोस्वामी पाद की, रूप गोस्वामी पाद की, गौर ब्रह्मानंदे। वेरी क्विकली गो फॉर प्रश्न।